अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, होप यू आर डूइंग वेल। मैं हूँ आपकी हूँ नशा खान और आप देख रहे हैं आपका अपना शो चिट चैट विद नशा खान। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा शो बहुत मज़े का होने वाला और एंटरटेनमेंट होता है हमेशा, आज भी वैसे बहुत एंटरटेनमेंट शो होने वाला है क्योंकि आज जो पर्सनैलिटी मेरे साथ मौजूद है उनका इंट्रो मैं इस तरह करवाती हूँ। बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं और काफ़ी चीज़ों में एक्टिव भी हैं, तो वो तो सारी चीज़ें मैं उनसे ही जानूंगी, लेकिन उनका इंट्रो मैं इस तरह करवाती हूँ। ज़्यादा वो यूथ में कॉन्टैक्ट है उनका और यूथ में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बेसिकली उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की नहीं हैं और अभी कर भी रहे हैं और उनको टीचर भी हम कह सकते हैं, टीचिंग भी कर रहे होते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें हम उनसे जानते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं कपिल कुमार। हाय कपिल, वेलकम टू द शो, कैसे हैं आप? थैंक यू निशा, थैंक यू फॉर द काइंड इनविटेशन। और आपने हॉनर दिया कि आज आपके साथ मैं अपनी कुछ थॉट्स शेयर करूं, अगर किसी के लिए वो वैल्यूएबल हैं तो। नहीं, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अच्छा, सबसे पहले तो कपिल आप अपना इंट्रो करवाएं, लाइक इंट्रो मैंने नहीं करवाया सही से। मेरा नाम कपिल है, जैसा कि आपने बताया। बिल्कुल, मैं स्टार्टअप कंसल्टेंट हूँ, बहुत सारे पाकिस्तान में स्टार्टअप्स को सपोर्ट कर रहा हूँ, कंसल्टेंसी ओके, प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसके साथ साथ मेरी एक अपनी कंपनी भी है जिसका नाम है रियांश ओके, कंसल्टिंग। इसके साथ साथ मैं टीचिंग भी कर रहा हूँ बहुत सालों से, इट्स बीन ओके, 10 ईयर्स। आई एम टीचिंग इन ओके, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, MBA और MS के स्टूडेंट्स को मैं एंटरप्रेन्योरशिप और HR की कोर्सेज पढ़ाता हूँ। और ओके, इसके साथ साथ अगर थोड़ा सा टाइम मिल जाता है तो मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स भी करता हूँ। बहुत सारे बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस मेरे क्लाइंट हैं जिनको मैं ट्रेनिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता ओके, हूँ, मैनेजर एंड अबाव जितने भी ग्रेड्स होते हैं। ओके, सो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, क्योंकि मैंने एक कोट पढ़ा था कि अगर आप कुछ एक करेंगे तो सर्वाइव करेंगे, हमेशा ये ओके, बात मैं बोलता हूँ, और अगर ओके, आप बहुत कुछ करेंगे तो थ्राइव करेंगे। तो लाइफ में एग्जैक्टली, आपको थ्राइव करना है, सर्वाइव तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं। मैंने मिसाल सुनी थी कि बहुत सारे मेलन पड़े हो एक फ्रूट सेलर के पास, बहुत सारे मेलन्स हो एक जैसे ही लगते हैं, एग्जैक्टली, बट उन 100 मेलन्स के बीच में अगर आप एक स्ट्रॉबेरी रख देंगे ना तो वो वो इज वेरी डिफरेंट नजर डिफरेंट, आएगी। या तो आप उन 100 मेलन्स में से एक स्ट्रॉबेरी बने, अगर आप बिल्कुल, मेलन बनेंगे तो पूरी जिंदगी मेलन ही रहेंगे। सो कुछ डिफरेंट करें, बी रेड इन द ऑल ब्लूज, थोड़ा सा डिफरेंट बने ताकि आपको लोग जाने एग्जैक्टली, और आपकी पहचान हो। आप अपनी सेल्फ ब्रांडिंग जिसको हम कहते हैं, आज के दौर में अगर आप ब्रांडिंग नहीं करते, अपनी सेल्फ ब्रांडिंग नहीं करते, अगर आप PhD स्कॉलर भी हैं तो आपको कोई नहीं जानता। ऐसा ही है, और बिल्कुल दूसरा, कंट्रीब्यूट करें, सिर्फ बिल्कुल, ब्रांडिंग नहीं होनी चाहिए, कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए। आप एग्जैक्टली, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करें, डिफरेंट सेक्टर्स में कंट्रीब्यूट करें। आपके पास जो नॉलेज है वो आपके साथ खत्म हो जानी है, अगर आप उसको शेयर करेंगे तो वो तो और लोगों इंक्रीज में होगी, बटी रहेगी। बहुत सारे लोगों में बटेगी और आप एक सोसाइटी की डेवलपमेंट कर रहे होंगे। तो मैं इसी मिशन पे लगा हुआ हूँ, बहुत सारे काम करता हूँ, जहां जहां मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है और जहां मुझे लगता है विलिंगनेस है रिस्पॉन्डेंट की कि कुछ सीखना है, तो मैं जरूर, जो थोड़ी सी लिटिल नॉलेज मेरे पास है, मैं कोशिश करता हूँ उस नॉलेज को ट्रांसफॉर्म करूँ, क्योंकि नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन इज द की टू डेवलप अ सोसाइटी एंड डेवलप फ्यूचर जनरेशंस। तो ये हमें सबने मिलके काम करना है, पूरे पाकिस्तान ने इस पे काम करना है कि हमारे पास जो थोड़ी सी नॉलेज है ना, हमें लोगों को बनाना प्रमोट है, करना है, आगे लेके चलना है, साथ लेके बिल्कुल चलना है। बिल्कुल, ऐसे भी बहुत अच्छी थिंकिंग है माशाल्लाह। अच्छा, सोशल आप बड़ा एक्टिवेट रहते हैं, क्या रीजन है? हर टॉक शोज में इधर उधर जा रहे होते हैं, देखिए, सोशली एक्टिव रहने का मतलब है जिंदा रहना आज के बिल्कुल, इस एरा में। और अगर आप जरूरी भी है। सोशली एक्टिव नहीं है सो यू आर नॉट अलाइव। कोई नहीं आप जानता काम तो आपको। कर रहे हैं, आप हाँ, चल रहे हैं, सुबह से शाम हो रही है, फिर जिंदगी तमाम हो रही है। अगर आप सोशली एक्टिव हैं तो लोगों को नजर आता है, और आप रोज नहीं मिल रहे, आज ये वर्चुअल वर्ल्ड है, हम रोज नहीं मिल पाते, बिजी हैं, सब लोग दौड़ में लगे हुए, एक रेस में चल रहे हैं। बिल्कुल, बट अगर हम सोशली कनेक्टेड है ना, एक्टिव है, तो लोगों को आपकी खबर मिलती है, पता चलता है यार यू आर सर्वाइविंग, आप जिंदा हैं, आप कुछ कर रहे हैं, अवेयरनेस आती है। हो सकता है मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं मेरे सोशल होने की वजह से लोगों को पता चले कि मैं जानते उनके लोग, काम का हूं, बिल्कुल, मैं उनके काम आ सकता हूं, या एग्जैक्टली, मुझे भी लोगों के सोशल होने से ये पता चलता है आपकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। आपके बिल्कुल, साथ अगर मैं किसी सोशल मीडिया चैनल पे कनेक्टेड हूं तो मुझे आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन से भी लर्निंग होती है। बिल्कुल तो ये ऐसे वाइस ही, वर्सा है, अगर मैं सोशल हूं तो मैं सोशल लोगों के साथ कनेक्ट भी होता हूँ, क्योंकि ओके माई नेटवर्क इज माई नेटवर्थ। ये मैं बिलीव ओके करता हूँ, स्ट्रांगली इस बात पे बिलीव करता हूँ कि ओके, आपका जो नेटवर्क होता है वो आपकी नेटवर्थ होती है।
हम सबको मिलके उस पे काम करना चाहिए और अपने सोशल नेटवर्क को बहुत स्ट्रांग बनाना चाहिए। आज आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे छोटी सी चीज भी आती है दो दिन में वायरल हो जाती है। आप वीडियोस पे देखें सोशल मीडिया पे 50 मिलियन व्यूज, ऐसा ही 100 मिलियन व्यूज किसी भी चीज पे। सोशल मीडिया एक ऐसा पावर है जो आपको पूरी दुनिया से मिला सकता है और आपकी बात पूरी दुनिया में विदाउट सेंसर किए हुए पहुंचा सकता है। अब तो कॉमन फैक्टर भी हो गया ना, बिल्कुल हर बंदे के हाथ में फोन है। Exactly. आपकी कोई भी चीज अगर देखनी है तो आपने सर्च की टक 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 वो सारी आपकी। पहले तो आपको खबर जर्नलिस्ट पहुंचाते थे, आज हर एक इंसान फोटो जर्नलिस्ट है, सोशल मीडिया जर्नलिस्ट है। सो पॉजिटिव यूज ऑफ सोशल मीडिया बहुत अच्छा है, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहा है और सोसाइटी की डेवलपमेंट में सपोर्ट कर रहा है। लेकिन जहां तक अच्छी चीज भी है तो वहां तक बुरी भी है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन यू कि आप किस तरह। इसलिए मैंने एक वर्ड यूज किया, पॉजिटिव यूज ऑफ सोशल मीडिया। या ओके ठीक है। अच्छा इसके अलावा आप क्या काम कर रहे होते हैं? चलें आपने सोशल का बता दिया, ऐसे आप टीचिंग दे रहे होते हैं? जी मैं टीचिंग भी कर रहा हूँ, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहा हूँ जिसमें एमबीए और एमएस के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। तो मेरा जो स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट है वो एंटरप्रेन्योरशिप है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। क्योंकि मेरी जो एजुकेशन है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, मेरा मास्टर्स भी है, एमएस भी है। और एंटरप्रेन्योरशिप में इस इकोसिस्टम का पार्ट इसलिए बना कि बहुत सालों से मैं कुछ वेंचर कैपिटल्स के साथ भी काम कर रहा हूँ। पूरे पाकिस्तान में जितने इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं उनमें भी घूमा, पूरे पाकिस्तान के स्टार्टअप से मिल चुका हूँ। बहुत सारी मेरी ट्रेवलिंग होती है, जो स्टार्टअप्स के कॉन्फ्रेंसेज होते हैं, इवेंट्स होते हैं, वो मैं अटेंड करता रहता हूँ। सोशल अवेयरनेस होती है, पता चलता है मुल्क में हो क्या रहा है, क्योंकि आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो आपकी इस मुल्क को आगे जॉब से नहीं लेके जा सकती, कॉन्ट्रीब्यूशन से देके जा सकती है। अगर आप स्टार्टअप कर रहे हैं तो आप 10 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, आप एम्प्लॉय नहीं बन रहे, आप एम्प्लॉयर बन रहे। तो मेरा फोकस जो है, इसलिए मैं इस स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ कनेक्ट हूँ ताकि हम ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें और एक यूथ 10 साल तक बैठ के जॉब का इंतजार ना करे, उसको पहले दिन पे पता हो कि मुझे जॉब्स कैसे क्रिएट करनी है, कहाँ से पैसे लाने हैं, कहाँ से कैसे बिजनेस स्टार्ट होगा। तो मैं इस पे ज्यादा काम करता हूँ, तो ये भी मेरी जॉब और इन सारी चीजों के साथ ही चलता रहता है। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि सोसाइटी में आपका जो सोशल एक्सपोजर है या सोशल अवेयरनेस है वो बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है। अच्छा बट यू आर बेस्ड इन कराची? बिल्कुल, अभी तो मैं कराची में हूँ कोई पिछले 12 साल से। But you are not Muslim, right? हाँ, I am not Muslim. I am from Hindu community, but I am Pakistani. वो क्यों, मतलब आप कराची पाकिस्तान में? ये एक मिसकॉन्सेप्शन है, आज भी हम समझते हैं कि शायद जो वो नॉन मुस्लिम है वो पाकिस्तानी नहीं है, बट आई एम प्रो पाकिस्तानी एंड आई एम हियर फ्रॉम बिफोर पाकिस्तान, जहां जब पाकिस्तान बना भी नहीं था। जो मेरी नस्लें हैं, जो मेरी फैमिली है, वो पाकिस्तान बनने से पहले इसी एरिया में रहती थी। सो वी चूज टू लिव हियर रेदर देन गोइंग टू सब कॉन्टिनेंट और दूसरे कंट्रीज में। तो हम तो पक्के वाले, पुराने वाले, मजबूत पाकिस्तानी है। तो हम जो है ना पैट्रियोटिक पाकिस्तानी है। ये एक मिसकंसेप्शन तो होता है, जहां भी हम जाते हैं बताते हैं यार हिंदू कम्युनिटी, अच्छा आप इंडिया से? नहीं, हम इंडिया से नहीं है। पूछने वाली थी। हाँ, हम इंडिया से नहीं है, हम पाकिस्तान से हैं। पाकिस्तान हमसे, हमने पाकिस्तान बनाया, हमने चूज किया कि हम यहाँ रहेंगे। मेरे आबाओ अजदाद ने ये चूज किया कि हम इसी खित्ते में रहेंगे, यहीं कंट्रीब्यूट करेंगे, यहीं कमाएंगे, यहीं जिएंगे, यहीं आपके साथ ईद मनाएंगे, यहीं आपके साथ दिवाली मनाएंगे, यहीं होली मनाएंगे, और ये जो खुशियां हैं ये बांट के जिएंगे। सो वी चूज टू लिव हियर इन पाकिस्तान। तो ये मेरा मुल्क है, मुझसे है पाकिस्तान। एग्जैक्टली ओके। तो आप जैसे मुस्लिम नहीं है तो आप कैसे कंजस्ट करते लोग? मुझे कभी फील नहीं हुआ। लोग तो आपको करवाते होंगे? लोगों के करवाने से कोई मसला नहीं होता, वो शायद रत्ती बराबर होते हैं, 4-5 लोग होते हैं कोई 1000 में से जो आपको फील करवाते हैं। मुझे किसी चीज से इशू नहीं हुआ पाकिस्तान में, हम घुल मिल के रहते हैं। मेरे लोगों के साथ आपको जान के हैरानी होगी, मेरे जितने भी दोस्त हैं अच्छे वो ज्यादातर मुस्लिम है। ओके। तो मेरे क्लासमेट्स भी मुस्लिम रहे, स्कूल में भी, कॉलेज में भी, यूनिवर्सिटी में भी, और ऑफिस में भी कुलीग्स ज्यादातर मुस्लिम है। सो मुझे आज तक ऐसा फील नहीं हुआ कि हिंदू बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाली फीलिंग नहीं आई। ओके। क्योंकि आपको मिलके रहना है, अडॉप्ट करना है।
आप भी सपोर्ट करते होंगे जी, आप मल्टीकल्चरल सोसाइटीज में जब रहते हैं हाँ। तो और आप स्ट्रांग हो जाते हैं। ऐसा ही है, ये पाकिस्तान एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी है और पाकिस्तान जो बना था वो इसी सोच पे बना था कि यहाँ पर हम सब लोग मिलके रहेंगे। वो जो हमने फ्लैग में एक व्हाइट पोर्शन एलोकेट किया वो उन सबके लिए किया जो मुझ जैसे हैं और हमसे हैं, तो ये तो हमारा मुल्क है। मैं तो प्राउडली कहता हूँ, देखें आप फ्लैग में देखें मैं हूँ, पाकिस्तान के झंडे में मैं भी हूँ, वो मेरा भी है। तो ये पाकिस्तान तो हम सबसे, ये मिसकॉन्सेप्शन है कि शायद माइनॉरिटीज के लिए मुश्किल है, ऐसा नहीं है। हाँ चैलेंजेस जरूर होते हैं, बहुत सारी जगहों पे होते हैं, हम उस पर आवाज भी उठाते हैं। फिर जाहिर सी बात है गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, पार्टीज भी सपोर्ट करती है। मैंने देखा है जब भी इनजस्टिस हुआ है तो हमारे जस्टिस सिस्टम ने और गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है एक ब्रॉड लेवल पे। तो यही एक वजह है कि आज तक हम यहाँ पर हैं, हम जी रहे हैं, हम तो एक खुले आसमान के नीचे सर, लाखों लोग हैं, हजारों लोग हैं। अगर मैं देखा जाए तो कुछ दिन पहले की बात बताती हूँ, अभी फिलहाल आप लोगों की कोई त्यौहार वार चल रहा था, एक साल पहले की बात है, दिवाली थी या पता नहीं क्या था, आपने हाइपर देखा हुआ होगा, हाइपर के पीछे पूरा मेला लगा हुआ था और पूरी आप यकीन जानो इतने लोग हिंदू कमेटी की कि मैं हैरान हुई, हम फैमिली थी साथ, वो भी हैरान हुई कि यार इतने लोग हैं और उनको सपोर्ट भी किया जा रहा है, पूरा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है आपकी जो त्यौहार है उसके लिए कि आप सेलिब्रेट करें और हम लोग भी आपके त्यौहारों में शामिल होते हैं, ऐसा नहीं है। आप लोग भरपूर होते हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊं होली होती है, लास्ट दिवाली पे मेरे फ्रेंड सर्कल है, डॉन न्यूज के एंकर्स थे या कुछ और चैनल्स के एंकर्स थे, बल्कि बहुत सारे चैनल्स के एंकर्स थे, उन्होंने मुझे कॉल की कि हमें आपके साथ दिवाली मनानी है। मैंने कहा जी आ जाएं। वो मंदिर आए और हमने बड़ी खुल के दिवाली मनाई बहुत अच्छी तरीके से और वो कोई फर्क ही नजर नहीं आया और वो हमसे ज्यादा दिवाली मना रहे थे। सो ये हमारा मुल्क है, हम सब लोग मिलके रह सकते हैं, लेकिन जो जितने भी त्यौहार है ना उनका मतलब अगर आप उठाएं तो खुशियां हैं। खुशियां तो बांटने से बढ़ती हैं, आपकी खुशियां। मैं ईद पे तैयार होता हूँ, सुबह नहा धो के निकलता हूँ तो जाके दोस्तों से ईद मिलता हूँ। क्यों? ईद एक खुशी का नाम है। बिल्कुल, ईद ना आपकी है ना मेरी है, ईद सबकी है। तो इसी तरह दिवाली ना मेरी है ना आपकी है, हम सबकी है। सो हम सबको मिलके ये मैसेज देना इंटरफेथ हारमोनी का, देखिए मेरे जो मामलात हैं उनका जवाब मुझे देना है अल्लाह को। जिसको हम खुदा कह रहे हैं डिफरेंट नाम है, बट एक चीज याद रखिएगा, ऊपर सारा सिस्टम को चलाने वाला एक ही खुदा है, वो सबको चला रहे। तो जब वहां तफरीक नहीं है तो यहाँ तफरीक यहाँ क्यों? हाँ हम सबके रिचुअल्स अलग हो सकते हैं, प्रेयर्स के स्टाइल अलग हो सकते हैं, बट दुआ तो एक ही मांगते हैं ना अल्लाह से, खुशियों की। आप भी वही दुआ मांगते हैं, हम भी वही दुआ मांगते हैं, हम भी अल्लाह का शुक्राना करते हैं, आप भी अल्लाह का शुक्राना करते हैं। सो ये पूरी कायनात जो है इस हैप्पीनेस पे चल रही है। सो मेरा तो ये मैसेज होगा आप के व्यूअर्स को भी जो आज इस शो को देख रहे हैं कि खुशियां बांटें, खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। हम ये ना देखें कि वो क्या कर रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, बस ये देखें कि हाँ वो खुश हैं, चलें जी उनकी खुशियों में शामिल हो जाते हैं। लेकिन ये थिंकिंग नहीं है, बस ये थिंकिंग हमें इस मैसेज को प्रमोट करना है, ये थिंकिंग नहीं है पाकिस्तान में, आपको नहीं मिलेगी। अब चेंज हो रहा है, ऐसा नहीं है, आपको आइडिया हो गया होगा। नहीं ऐसा नहीं है, मुझे पॉजिटिव लोग ज्यादा मिलते हैं नेगेटिव लोगों से। अच्छा, ये मैं बहुत ऑन एयर कहना चाहूंगा, मुझे पॉजिटिव लोग ज्यादा मिलते हैं नेगेटिव लोगों से, तो ये मेरे लिए एक बहुत ही सेटिस्फेक्टरी फीलिंग होती है। सिर्फ मेरे लिए नहीं, हम जैसे बहुत सारे माइनॉरिटी के लोगों के लिए कि हमें पॉजिटिव लोग ज्यादा मिलते हैं। शायद वो जो पॉजिटिव लोग हैं वही रीजन है कि हम यहाँ पर हैं और फ्रीडम के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। ओके, पाकिस्तान से पहले कहाँ रहते थे? पाकिस्तान में ही रहता था, मैंने आपको बताया मैं बाय बर्थ पाकिस्तान में, 12 साल हुए ना बोला रहते हुए, कराची में 12 साल हुए। इससे पहले कहाँ रहते? इससे पहले मैं बलूचिस्तान में रहता था, एक छोटा सा इलाका है उस्ता मोहम्मद, वहाँ रहता था, वहाँ बेस आपकी वहीं बेस वहाँ पे थी बलूचिस्तान में। फिर हम वहां से मूव हुए, मेरे पापा भी मूव हुए, मैं भी आया हायर एजुकेशन के लिए, फिर हम परमानेंटली यहाँ पे सेटल हो गए कराची में, और अब मैं भी कराची आई टू। आप भी हम लोगों में शामिल होते हैं। ओके ओके, क्योंकि कराची आपको पता है वो शहर है
जो सबको जगा देता है और सबको अपने दिल में बसा लेता है। बिल्कुल एग्जैक्टली कराची रोशनियों का शहर है ना। अच्छा ट्रैवलिंग का शौक है, ट्रैवलिंग करते हैं बहुत ज्यादा। कैसे कि मैनेज करते हैं काम वाम को फिर? देखिए काम तो होते रहते हैं, आपको वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करना होता है। बिल्कुल। तो लाइफ में ना सारी जिंदगी काम नहीं करने, काम के साथ साथ ऑर्गेनाइज करना है, मैनेज करना है, डेलीगेट करना है अपने काम को एक्चुअली। तो जब आप डेलीगेट नहीं करते ना तो आप बिजी रहते हैं, मसरूफ रहते हैं। बट अगर आप टास्क को डेलीगेट करके चले, ऑर्गेनाइज करके चले, तो आपके पास इतना वक्त जरूर निकलता है कि आप जिंदगी में एंजॉय भी करें, खुश भी रहें। बिल्कुल। मैं हर साल कहीं ना कहीं घूमने जरूर जाता हूँ। अच्छा यहाँ हम लेंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ होता है एक छोटा सा ब्रेक। तो जी नाजरीन मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, और आप देख रहे हैं आपका अपना शो चिट चैट विद निशा खान, और कपिल हमारे साथ मौजूद हैं। कपिल बता रहे थे किस बारे में बात कर रहे थे? ट्रैवलिंग के बारे में। या वही से कंटिन्यू करो, क्या बता रहे थे? ट्रैवलिंग में करता हूँ, मैनेज करता हूँ, और मैनेज करना चाहिए सबको। अगर आप ट्रेवल नहीं करते तो आप दुनिया एक्सप्लोर नहीं करते, आप एक कूजे में बंद होकर रह जाते हैं, आपकी सोच भी लिमिटेड हो जाती है। एक चीज याद रखिएगा, ट्रेवलिंग से आपको मोटिवेशन आती है, आपको जिंदगी जीने में मजा आता है। तो ट्रेवलिंग अगर आपकी लाइफ का पार्ट नहीं है तो आप कहीं भी नहीं है, यू आर नोवेयर। तो अपनी लाइफ का इसको पार्ट बनाए, आप छोटे से छोटी ट्रेवलिंग है ना उसको एंजॉय करें, आपको न्यू न्यू लोग भी मिलते हैं, उससे आपको जानने का टाइम मिलता है, आप एक्सप्लोर करने का। वरना तो देखिए 9 to 5 ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, एक ही लाइफ से आप बोर भी हो जाते हैं, बोर भी हो जाते हैं और आप नया नहीं सीखते कुछ, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। एक चीज याद रखिएगा, घूमने से आपको हजारों अपॉर्चुनिटीज मिलती है। तो अपॉर्चुनिटी लोग कहते हैं ना, कैसे मिलती है, कहाँ से मिलती है? घूमने से मिलती है। Exactly. आप जब नई जगहों पे जाते हैं आपको पता चल जाता है यार यहाँ पे ये हो रहा है, ये तो यहाँ भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। और रिच आइडियाज भी आपको काफी आने लगते हैं। और जो हमारी रिच हिस्ट्री है, कल्चर है, आप देखें कितना डाइवर्सिफाइड कल्चर है पाकिस्तान में। आप जब डिफरेंट प्लेसेस पे जाते हैं तो वो एक्सप्लोर करते हैं। सिंध में देखें कितना कल्चर है। आप सिंध में अगर मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो प्योर सिंधी हैं, मेरी तरह सिंधी बोलते हैं, बट उन्होंने सिंध का बहुत सारे इलाके नहीं देखे होंगे, हिस्टोरिकल प्लेसेस नहीं देखे होंगे। अभी मैं देख रहा था रिसेंटली सिंध टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने इनिशिएटिव लिया था कि जी हम आपको सिंध के एरियाज एक्सप्लोर करवाते हैं। हम पंजाब तो पहुंच जाते हैं, खैबर पख्तूनख्वा पहुंच जाते हैं एक्सप्लोर करने के लिए, बट हम सिंध के उन एरियाज को एक्सप्लोर नहीं करते जहां पर रिच हिस्ट्री और कल्चर है। तो मैं वहां भी बहुत सारे एरियाज में गया, आप ठट्ठा की तरफ चले जाए, थर की तरफ चले जाए, आप एंजॉय करते हैं, एक अलग ही फील आती है आपको। बिल्कुल। तो आप क्यों कि हम लोग किस तरह जी रहे होते हैं और वहाँ के लोग किस तरह जी रहे, और वो जो नेचर है ना आपको लर्निंग्स देती है। एग्जैक्टली। सो ट्रैवलिंग इज फन एंड ट्रैवलिंग इज मोटिवेशन। बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा ओके, आप लोगों के खाने डिफरेंट होते हैं, पाकिस्तानी खाने डिफरेंट होते हैं, तो पाकिस्तानी खाना ज्यादा पसंद करते हैं या इंडियन खाना ज्यादा पसंद करते हैं? हमारे खाने ना मिक्स हो गए, ना हमारे खाने इंडियन है ना पाकिस्तानी है, तो आप लोग कुछ अलग ही है वो। क्योंकि देखिए पाकिस्तान में ना हमारे पास अब कोई भी चीज ओरिजिनल नहीं रही, हमने उसको कन्वर्ट कर करके कर करके अच्छा चीजें वही हैं। ये सब कॉन्टिनेंट जो है आज से 50, 60, 70 साल पहले अलग हुआ, तो 70 साल का मतलब होता है एक जनरेशन या दो जनरेशन। इससे पहले तो हम एक ही थे। तो आज भी हमारे दादा की जो बर्थ है या आपके दादा की जो बर्थ है वो एक सब कॉन्टिनेंट में थी, ना उस वक्त इंडिया था ना पाकिस्तान था। तो हमारी जो रिवायात है ना वो वही आ रही है, वो जो खाना है, वो जो टेस्ट है। हर इलाके का खाना तो अलग होता है बट रिवायात सेम रहती है। तो अभी तक हम इतने बदले नहीं है, आप इंडिया चले जाएंगी वही चीजें आपको मिलेंगी, थोड़े से नाम डिफरेंट मिलेंगे, सांभा और ये सारी चीजें इंडिया में होती है। अच्छा। सब कोऑर्डिनेट। अच्छा इंडिया में पूरे में नहीं होती, ये सिलेक्टेड जगह जैसे साग। अच्छा। मकई की रोटी आपको पंजाब में मिलती है, तो वो तो हमारे तब भी मिलती है। मिलता तो सब कुछ हर जगह पे, बट हर डिश लेकिन हम लोगों की तरफ सांभा। देखिए यहाँ पर मेमन कम्युनिटी है, वो खौसे बहुत खाती है। व्हाट क्या? खौसे। ठीक okay. है, ये हर जगह नहीं होते। यही मैं आपको बताने चाह रहा हूँ कि हर कम्युनिटी की, हर जो रिलीजन है या रीजन है उसकी अलग अलग डिशेस होती है। okay. अब वो मिलती हर जगह पे, इंडिया में भी हर जगह पे सांबा इडली वगैरह ही नहीं खाया जाता, वहाँ ये कुछ रीजन से वहाँ पे खाई जाती है। तो हमारी जो डिशेज है वो वही है जो आपकी है। Normally. अच्छा मैं तो चिकन लवर हूँ, तो वही सारे टिक्के, वही कबाब, वही ब्रोस्ट। मेरी अच्छा तो जो, मैंने तो सुना है कि इंडियन जो नॉन मुस्लिम है वो ये नहीं खाते ना, गोश्त नहीं खाते। वो भी हमें एक अलग कह सकते हैं कि
अलग कर चल अलग रहे हो। कम्युनिटी है जो नहीं खाती, जो वेजिटेरियन कम्युनिटी हाँ होती है। ये सुना है मैं मैंने। नॉन वेज हूँ, मेरी वाइफ ओके वेजिटेरियन है, ओके तो ये भी कॉम्बिनेशन है। मेरी वाइफ प्योरली वेज है, वो ओके कुछ भी नहीं खाती, ना चिकन ना मटन ना एग ना फिश, और मैं सब कुछ खाता हूँ, सिर्फ बीफ को छोड़ के, जो कि हमारे पास अलाउड नहीं है। अदरवाइज मैं बाकी सारे डिशेस को एक्सप्लोर करता हूँ, जो आपका खाना है मेरा भी वही खाना है। हाँ, कुछ स्पेशल डिशेस हैं जो हमारे पास बनती हैं, और वो भी आपको पता है नॉन मुस्लिम तो बहुत आप पसंद लोग तो करते थाल हैं। में खाते हैं ना खाना, नहीं वो और पत्ते वगैरह में खाते नहीं ये हैं वो आप पुराने जमाने की बातें कर रही ना। हैं। नहीं आप जरा नहीं कभी आए मेरे पास तो मैं आपको बताता हूँ हम खाना कैसे खाते हैं। मतलब नॉर्मली कैजुअली हम भी जैसे वैसे हम ही खाते हैं लोग, जैसे आप जैसे हम खाते लोग हैं खा रहे जी। होते हैं। ओके तो ज्यादा आप जैसे हम लोग ही मैं तो वाले आपको दावत दूंगा कि कभी आए आप नहीं एक्सप्लोर करें। नहीं मैं आपके और किसी इवेंट पे आऊंगी इंशाल्लाह हाँ, लाइक। आप मेरे इवेंट पे भी आए, फिर एक क्रिश्चियन कम्युनिटी के इवेंट पे भी आए, और डिफरेंट कम्युनिटीज के इवेंट्स पे जाएंगी तो आपकी सोशल अवेयरनेस इंक्रीज होगी। मैं बिल्कुल चाहूंगा कि आप दिखाएं लोगों को, शोज करें डिफरेंट कम्युनिटीज में जाके, ताकि लोगों को पता चले कैसे रहते हैं हम। हमारा जो रहन सहन है वो मोहब्बत पैदा करता है एक दूसरे में। तो बिल्कुल मेरे पास भी जो लोग आते हैं, मेरी दिवाली पे हजारों लोग मुझे फोन करते हैं, यार मीठा खिला दो, मिठाई खिला दो, और मैं भी ईद पे हजारों लोगों को कहता हूँ यार मैं आ रहा हूँ खीर खाने। तो ये जो शिर मिलना कुरमा जुलना है, रहन सहन है, इससे जो खाना। है हम में मोहब्बत बढ़ती है। लेकिन ये आपकी थिंकिंग है ना, हर किसी की ये थिंकिंग तो नहीं हम होती तो है। सबको आप कहेंगे मेरी ना ऐसी थिंकिंग आपकी थिंकिंग, तरफ से डिफरेंट थी, लाइक कि आप लोगों के खाने पर कुछ मैं तो और आपको होते दावत दे रहा हूं आ जाए। हैं, रहन सहन अलग होता है। अच्छा आप लोग एक और चीज करते हैं, वो काऊ की गाय की पूजा करते हैं ना आप लोग, हाँ ये सच है? बिल्कुल सच आप है भी करते हैं ये? जी। उसका एक कॉन्सेप्ट है, क्या जितनी भी कॉन्सेप्ट है? रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती हैं उसके हाँ पीछे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं। हमारे जो तो आप क्रिश्चियन, लोग क्यों वजह हाँ मैं गाय बता की? रहा हूँ, मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, शायद लाखों लोगों को आज पता चल जाएगा अगर शो देखेंगे। हमारे जो कृष्ण भगवान थे, जो आपने सुना होगा कृष्णा की मूवीज भी देखे होंगे, हाँ उनकी मदर नहीं थी, तो अच्छा उनको जो पहला दूध पिलाया, या उसके बाद जो कंटिन्यूअसली उनको दूध पिलाया, तो मदर की जगह पे एक गाय ने पिलाया। अच्छा तो इसलिए गाय को, जब उन्होंने कृष्ण भगवान ने गाय को माँ का दर्जा दिया कि मुझे जिसने ओके दूध पिलाया, तो जब मेरे जिनको मैं फॉलो कर रहा हूँ रिलीजियसली, वो अगर किसी को माँ का दर्जा दे तो मैं क्यों ना दूं। तो ये एक अच्छा रीजन है, जेन्युइन रीजन है, इसके पीछे और कोई मिथ नहीं है, कोई मिस्ट्री नहीं है, कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है। मैंने आपको ओके दो वर्ड्स में समझा दिया क्या रीजन है एहतराम करने का। पूजा नहीं करते गाय की, एहतराम करते हैं। एहतराम हर मजहब में हर जगह पे सिखाया जाता है, डिफरेंट रिलीजियस प्रैक्टिसेस आप का भी भी, करते हैं रिचुअल्स यहाँ का पे भी, पाकिस्तान सब में लोग करते हैं हम करते लोग? हैं, सारे हिंदूज करते हैं। इसमें बॉर्डरलेस होती है अच्छा रिलीजियस प्रैक्टिसेस। क्या मुझे ओके बताएं, जो अमेरिका में मुस्लिम है और जो पाकिस्तान में मुस्लिम है उसकी नमाज अलग होती है? नहीं। अच्छा कपल हम लोगों ने अक्सर ये देखा अमूमन कि डिफरेंट डिशेस होते हैं ना, जैसे एक दिन फिश हो गई, एक दिन अंडा हो गया, एक दिन चिकन हो गया, एक दिन आपका वेजिटेबल हो गया, तो यहाँ भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट नहीं, ऐसा मैंने पहली मरतबा सुना है। वैसे ऐसा होता नहीं है, कुछ लोग होते हैं जो कुछ सिलेक्टेड डेज पे चिकन मटन या कोई भी आपके जो नॉन वेज डिशेज हैं वो नहीं खाते, वो उन डेज को मुंसलिक कर देते हैं अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस से, तो अच्छा इसलिए वो उन डेज को ऑब्जर्व करते हैं। ओके हमारे यहाँ भी होता है, और ऐसा नहीं होता सिलेक्टेड चीजें, बस ऐसा होता है कि वो डेज वो वेजिटेरियन कर देते हैं, फुल डे वेजिटेरियन ओके होता है। कुछ लोग मंडे को नहीं खाते, कुछ लोग ट्यूसडे को, कुछ मैनेसडे को, कुछ थर्सडे को, तो डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे पास भी सेक्ट्स हैं, आपके पास भी जैसे डिफरेंट सेक्ट्स हैं, तो वो हमारे पास भी ऐसे ही डिफरेंट सेक्ट्स के डिफरेंट डेज डेडिकेटेड है, तो वो ओके उन दिनों पे नॉन वेज नहीं खाते, इसको मैं सिंपल कर देता हूँ, वेजिटेरियन ओके डिशेस खाते हैं। ओके सारे और हर खाने मतलब हाँ खा बिल्कुल रहे होते हैं। बिल्कुल। ओके तो अभी जो नया पाकिस्तान बना इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पाकिस्तान ना कभी नया था ना पुराना था, पाकिस्तान पाकिस्तान था और रहेगा बनाया गया पाकिस्तान। था ना अभी नया पाकिस्तान इसको। पाकिस्तान पाकिस्तान था और वो पाकिस्तान रहेगा, ता हयात पाकिस्तान ही रहेगा। बात ये कि गवर्नमेंट स्ट्रेटजीज हैं, पहले कुछ और थी अब कुछ और है। बस मैं सिर्फ इस पे इतना कहूंगा कि जो भी गवर्नमेंट हो, जिसकी भी गवर्नमेंट हो, उसको आवाम की वेलफेयर के लिए काम करना है। नया पुराना पाकिस्तान कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान पाकिस्तान है, बट अगर हर पाकिस्तानी खुश होगा ना तो वो सुहाना पाकिस्तान होगा। तो हमें उस पे काम करना है सबने मिलके, कि हर पाकिस्तानी को खुश करना है, हर पाकिस्तानी की जरूरियात पूरी करनी है, उनको
जॉब्स देनी है, उनकी वेलफेयर करनी है, उनको कम्युनिटी सर्विस देनी है, अच्छी एजुकेशन देनी है, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज देनी है, हमें स्टेट ऑफ द आर्ट रिसोर्सेज देने हैं, ये सारी चीजें होती हैं। हमें कल्चरल सोसाइटी बनानी है, हमें टूरिज्म को प्रमोट करना है, हमें तहफ्फुज देना है, प्रोटेक्शन देनी है, ये वो सारी जरूरियात हैं जो सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, दुनिया में जितने भी मुल्क हैं उन सब की यही जरूरियात है। तो चाहे नया पाकिस्तान हो चाहे पुराना पाकिस्तान हो, यही जरूरियात रहेंगी और ताहयात यही जरूरियात रहेंगी। तो हम सबको मिलके जितनी भी गवर्नमेंट्स आ रही हैं, चाहे वो जाने वाली चाहे आने वाली, उनको अवाम की फिलाह बहबूद पे काम करना होगा, जिसको हम वेलफेयर कहते हैं। तो बस यही एक चीज है जो कि पिछली गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए, उससे पिछली गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे इनिशिएटिव। हर गवर्नमेंट सारे बुरे काम नहीं करती, हर गवर्नमेंट बहुत सारे अच्छे काम भी करती है। एक पॉजिटिव कुछ हुआ है तो हम इतनी तरक्की में आए। आज हम एक 5G इकोनॉमी है, आज हमारे पास बिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ मोबाइल यूजर है, हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप नेमतों को गिने तो लाखों नेमतें हमारे पास, हम फास्ट ट्रैक पे जा रहे हैं। मेरे पास कुछ दिन पहले एक साहब आए थे, एक फॉरेन कंट्री से यहाँ पर म्यूजिक शो करने आए थे। अच्छा। तो उनसे मुलाकात हुई आर्ट काउंसिल में, तो उनको मैंने कहा नंबर सेव करें मेरा, तो उन्होंने नंबर सेव किया, तो बड़ा स्ट्रगल कर रहे थे। मैंने कहा क्यों? कहते हैं रिसेंटली बॉट एंड्रॉयड फोन, हमारे पास इंटरनेट इतना अच्छा नहीं था। तो मैं कह रहा था अच्छा, वो एक मॉडर्न कंट्री से थे। अच्छा। तो मैंने कहा हमारे पास तो आजकल ठेले वाले के पास भी एंड्रॉइड फोन होता है और वो बेहतरीन व्हाट्सएप चला रहा होता है। सो इट्स लाइक हमें, हमने अपनी नेमतों पे कभी शुक्र नहीं किया। एज अ कम्युनिटी मैं तो कहूंगा मसलों को छोड़ के हमें अपॉर्चुनिटीज को देखना चाहिए, कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, कितनी नेमतें हैं हमारे मुल्क में, उन अपॉर्चुनिटीज से फायदा कैसे उठाना है और खुद को भी स्किल बेस्ड बनाना है। हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारी जो यूथ है, अवाम है, स्किल्स पे कम फोकस कर रही है। मैं अगर किसी ग्रेजुएट को उठाता हूँ, वो चाहे एमफिल हो, एमबीए हो, एमएस हो, कर तो लेता है, डिग्री होती है उसके पास, स्किल नहीं होता। तो हमें जो करना है स्किल बेस्ड इकोनॉमी पे फोकस करना है, और ये गवर्नमेंट के लिए भी एक चैलेंज है कि एजुकेशन सिस्टम को, एजुकेशन पॉलिसीज में ऐसा इतनी कंट्रीब्यूशन करनी है या ऐसा चेंज लाना है कि हर किसी के पास स्किल हो, सिर्फ डिग्री ना हो। अब डिग्री की बेसिस पे जॉब्स नहीं मिलती, स्किल की बेसिस पे मिलती है। Exactly. आप कितने टैलेंटेड हैं, आपको अगर कैमरामैन हायर करना है इस शो के लिए, अब आप कहेंगे जी मीडिया साइंसेस का ग्रेजुएट होना Exactly. चाहिए, बट अगर उसको कैमरा चलाना नहीं आता, चाहे उसके पास डबल डिग्री हो मीडिया साइंसेस में, वो किसी काम का नहीं है। तो हमें प्रैक्टिकल एजुकेशन पे फोकस करना है, इसको हम कहते हैं ऑन जॉब ट्रेनिंग पे, लर्न विथ टेक्निक्स, लर्न विथ प्रैक्टिकल एक्सपोजर, इन सारी स्ट्रेटजीज पे काम करना है। तो हमें अपने कोर्स आउटलाइन को भी पाकिस्तान में ऐसा मोल्ड करना होगा एक्सपर्ट्स के साथ मिलके, ताकि वो यूजर फ्रेंडली बन जाए। यूजर फ्रेंडली, यूजर जो है स्टूडेंट है, स्टूडेंट फ्रेंडली कॉन्टेंट होना चाहिए और आज के मॉडर्न एज स्टूडेंट के अकॉर्डिंगली कॉन्टेंट होना चाहिए। आज को हमें, आज हमें फ्लॉपी नहीं पढ़ानी अपने बच्चे को, आज हमें यूएसबी पढ़ानी है अपने बच्चे को, आज हमें वायरलेस टेक्नोलॉजी पढ़ानी है अपने बच्चे को, यहीं से शुरू करना है। Great. हम बहुत पीछे ले जाते हैं, हम डेवलप रिसोर्सेज नहीं बना रहे जो कि इम्प्लॉयबल हो, जिनको उठ के इन्हें यूनिवर्सिटी से निकलते ही जॉब मिल जाए। हम ऐसे रिसोर्सेज नहीं बना रहे। तो हमें सबको मिलके ऐसी इकोनॉमी बनानी है, चाहे जो भी गवर्नमेंट हो उसको ये इनिशिएटिव्स लेने कि हमें स्किल बेस्ड इकोनॉमी बनानी है। लास्ट गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लिए थे जो आज करंट गवर्नमेंट भी अप्रिशिएट कर रही है कि हाँ बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स थे। तो मैं करंट गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उनको और बेहतर बनाए और ज्यादा एक्सेसिबल बनाए, जो आम आदमी है, आम पाकिस्तानी है, उस तक वो मैसेज पहुंचे कि हाँ यार मेरे लिए ये सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है और जाना है, कुछ सीखना है, अगले दिन काम पे लगना है। तो उनके बाय, तो मैं कहता हूँ बोर्ड ही ये लगा होना चाहिए, आओ भाई काम सीखना है। तो ऐसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हमने बनानी है ताकि हम आम आदमी को गांव देहात से भी लेके उसको सिखाएं, हुनर सिखाएं। आपको पता है 70% हमारी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है पाकिस्तान में। ये 70% जो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, ये ट्रेडिशनल टूल्स यूज कर रही है ग्रोइंग के लिए, अपने अनाज उगाने के लिए। बिल्कुल, एग्जैक्टली। क्या हम इनको स्किल नहीं सिखा सकते कि मॉडर्न तरीकों से कैसे आप अनाज उगाएं,
आप कैसे ग्रोथ करें अपने एग्रीकल्चर सेक्टर की, कैसे आप अपनी पर यील्ड जो आपकी ग्रोथ है उसको इंक्रीज करें, तो हम इन बहुत सारी चीजों पे काम कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट भी इन पे अगर इनिशिएटिव ले तो कोई पुराना पाकिस्तान नया पाकिस्तान नहीं है, एक सुहाना पाकिस्तान बनाना है हमें। ऐसा हो नहीं होगा, सकता। उम्मीदें अच्छी रखनी लेट्स चाहिए। सी बाकी आप इतनी टीचिंग देते हैं, तो जैसे अभी आपने जॉब की बात की, तो आपके पास तो ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स आते होंगे कि सर हम तो डिग्री लेके घूम रहे हैं, हमें जॉब ही नहीं मिल रही, आते हैं, फिर मैं उनको काउंसलिंग करता हूँ, कि ये अब भी हम एक, क्या करें, अपना बिजनेस करें, हाँ हम तो क्योंकि बड़े तरह हमारे यहाँ पैसा लगा के यूनिवर्सिटीज जो पढ़ है, के आ रहे हैं यहाँ तक। हमारे पास यूनिवर्सिटीज कैरियर काउंसलिंग नहीं करती, ये एक बहुत बड़ा डायलेमा है। यूनिवर्सिटीज को भी इस पे फोकस करना चाहिए, हमारे कॉलेजेस को भी इस पे फोकस करना चाहिए, इवन दो स्कूल लेवल पे भी कैरियर काउंसलिंग होनी चाहिए कि आगे हमें कैसे जाना है। बिल्कुल तो इस पे अगर हम फोकस करेंगे तो एक बेहतर इकोनॉमी, तो मेरे पास जो पर्सनली मुझे अप्रोच करते हैं अच्छा, मैं उनकी या जरूर इसी को हम कर। कंटिन्यू करेंगे, यहाँ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, और आप देख रहे हैं आपका अपना शो चिटचैट विद नशा खान, और कपिल हमारे साथ मौजूद हैं। जी कपिल, वहीं से कंटिन्यू करें जहाँ आपने रुके थे अभी। तो कैरियर काउंसलिंग पे बात हो रही थी, तो मेरे पास जितने भी लोग आते हैं, जितने भी बच्चे आते हैं, फ्रेश ग्रेजुएट्स आते हैं, मैं बहुत एक्सटेंसिवली कैरियर काउंसलिंग करता हूँ। कभी कभी मुझे फैमिली भी कहती है कि यार इतना टाइम आप क्यों देते हैं यूथ को, तो ये पर्सनली पैशन होता है। मैं तो चाहूँगा कि जितने भी मुझ जैसे प्रोफेशनल्स हैं जो अगर कहीं जॉब कर रहे हैं, कहीं काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस चला रहे हैं, उनके पास थोड़ी सी भी नॉलेज है, उनको पता है कि वे फॉरवर्ड क्या है, कैसे आगे लेके जाना है यूथ को, तो यूथ को बैठ के समझाएं, हाथ पकड़ें। देखिए हम हर चीज़ गवर्नमेंट पे नहीं डाल सकते, हम हर चीज़ इंस्टीट्यूशंस पे नहीं डाल सकते, कुछ एज अ सिटीजन, एज अ ह्यूमन बीइंग हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, हमें भी बच्चों को आगे, जो हमारे आने वाली जनरेशन है, उनको हाथ पकड़ के आगे ले जाना है, उनको बताना है क्या ठीक है क्या गलत है। क्योंकि कैरियर काउंसलिंग से मैंने हजारों लोगों को बदलते हुए देखा है, ग्रो होते हुए देखा हुआ है। तो कैरियर काउंसलिंग अपना रोल प्ले करती है और एक पॉजिटिव रोल प्ले करती है। तो मैं, इंस्टीट्यूट्स भी ये अडॉप्ट करें, कॉलेजेस भी, स्कूल्स भी, और हम प्रोफेशनल्स जो मुझ जैसे हजारों प्रोफेशनल्स हैं वो भी कोशिश करें कि एक ओपन प्लेटफॉर्म दें स्टूडेंट्स को, यंगस्टर्स को, कि वो आएं, उनके साथ अपने मसले शेयर करें, अपनी सीवी रिव्यू करवाएं। मुझे बहुत सारे हजारों बच्चे सीवीज भेजते हैं कि सर इसको रिव्यू कर लें ठीक है, ताकि हम जॉब के लिए अप्लाई करें, या बता दें कि मेरे लिए कौन सी जॉब ठीक है, मुझे क्या करना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। तो ये बहुत सारे जो हजारों क्वेश्चंस हैं जो उनको यूनिवर्सिटी में किसी ने आंसर नहीं किए, ये हमारा फर्ज बनता है क्या आप उनको गाइडलाइन हम उनको दें? गाइड दें। तो यार मैं इस पे काम भी कर रहा हूँ बहुत अरसे से। तो जैसे अभी नया पाकिस्तान, तो चले आपने बोला एक ही पाकिस्तान है, तो आप जैसे काम कर रहे होते इतनी सारी चीजें, क्या फर्क पड़ा आपके काम पे फाइनेंशियली? और भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं इसमें। पहले वाली हुकूमत सही थी, पहले वाला वो जो था हमारा पॉलिटिकल जो भी था वो सही था, या अभी वाला सही है? मैंने कुछ आपको चीजें बताएं इसमें, आपके काम पे फर्क पड़ा होगा, जैसे अभी बहुत सारी चीजों पे बस मैं एक फर्क चीज है। बताऊं, महंगाई ना हर दिन जी के साथ बढ़ रही बढ़ रही है। है, शायद मुझे इतना अगर फर्क नहीं पड़ रहा तो उस आम आदमी को बहुत फर्क पड़ रहा है जिसकी जो लो भी है सब इनकम है, जो लोअर मिडिल क्लास पे है या बिल्कुल। लोअर लोअर मिडिल क्लास पे। कल भी मैं टीवी पे देख रहा था, आ रहा था 17% इन्फ्लेशन बढ़ फ्यूल गई भी है, अभी बढ़ गया। 17% इन्फ्लेशन बढ़ गई है, फ्यूल प्राइसेस 20% कल इंक्रीज हुए। बट मैं अगर एक कॉमन मैन की बात करूं, पर मुझे नहीं पता गवर्नमेंट कैसे इसको कैलकुलेट करती है, इवन तो मैं इकोनॉमी जानता हूं, बट अगेन मैं यहाँ ब्लैंक हो जाता हूं जब वो 17% बताते हैं। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि सिर्फ खाने के जो ऑयल है, कुकिंग ऑयल, उसकी प्राइस जो 6 महीने पहले जो प्राइस थी, आज उससे डबल प्राइस है। अगर एक स्पेसिफिक कंपनी का कुकिंग ऑयल आज से 6 महीने पहले 1300 का था, तो आज वो 2700 का है। इसका मतलब है 55% उसमें इन्फ्लेशन हुई है। और ऐसी में हजारों चीजों के नाम ले सकता हूं जिनमें बहुत ज्यादा बहुत सारी महंगाई हुई। चीजें आ जाती तो है। आम आदमी जो है, जो मिडिल क्लास था ना, वो लोअर मिडिल क्लास में चला गया, और जो लोअर मिडिल क्लास था वो और वो तो उसमें चला कहीं गया। का नहीं रहा, कहीं उसको का मुझे नहीं। नहीं पता, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता वो बेचारा सर्वाइव कैसे कर रहा है। वो जो रोजाना 1000 रुपए कमाता है हाँ, या डेली पांच बेसिक सौ पे। रुपए कमाता है, उस 500 में सो वो कैसे डिफिकल्ट। मैनेज करता है? आप देखें, अगर आप बर्गर भी ले लेते हैं तो वो 600 रुपए का होता है, आपको एहसास नहीं होगा, बट उस 500 से
उसको पूरी फैमिली को फीड करना होता है, पूरी फैमिली की जरूरियात पूरी करनी होती है, पूरी फैमिली की एजुकेशन पूरी करनी होती है, दवाइयां लेनी होती हैं। सिर्फ उस 500 से वो रोटी नहीं लेता, उस 500 से उसको हजारों दुनिया के काम करने हैं जो आप अपने 1 लाख या 2 लाख से करते हैं। तो इमेजिन करके देखिए वो बच्चा या वो जो गरीब आदमी है वो 500 में कैसे मैनेज करता होगा। तो शायद हमें वेलफेयर स्टेट की तरफ जाना होगा, सपोर्ट करना होगा, सोचना होगा, रीथिंक करना होगा। आवाम को भी मैं कहूंगा ज्यादा मेहनत करनी होगी, बिल्कुल एग्जैक्टली अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, थोड़ी सी हमें ज्यादा मेहनत करनी होगी, थोड़ा सा ज्यादा हमें स्किल बेस होना पड़ेगा ताकि हम अपने टैलेंट को एक्सपोर्ट करें। हम बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। अब जब इम्पोर्ट बैन लगा था तो मैंने कहा पाकिस्तानियों को तो खुश होना चाहिए, ठीक है इम्पोर्टेड चीजें नहीं आएंगी, इट्स ओके, बट आप मेड इन पाकिस्तान चीजें बेचने का टाइम आ गया है। और पाकिस्तानी के लिए अपॉर्चुनिटी है, उस सिंध के बैठे हुए गांव के हारी के लिए ये अपॉर्चुनिटी है जो वो हार्ट से हैंडीक्राफ्ट बनाता है, आर्टिसंस है, अब वो बेच सकते हैं मार्केट में, क्योंकि जो उनका कॉम्पिटिटर है उसके प्रोडक्ट बैन हो गए। नहीं तो हमारे यहाँ जो लोकल टूथपेस्ट बना रहा है तो उसको खुश होना चाहिए। अब वो प्रोडक्ट क्वालिटी पे काम करें, अपनी प्राइसेस को मैनेज करें और वो कॉम्पीट कर सकता है अब, क्योंकि आपको जो ग्लोबल कॉम्पिटिटर था हमारे पास, जो हर प्रोडक्ट आप जब डिपार्टमेंट स्टोर में जाते थे तो हर प्रोडक्ट इम्पोर्टेड होता था, अब आप उसकी जगह पे लोकल प्रोडक्ट खरीद भी सकते हैं। तो पाकिस्तानी जो मैन्युफैक्चरर है उसके लिए तो मैं कहता हूँ ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अब वो खुद को एस्टैब्लिश कर सकता है, करना चाहिए। नहीं करते यार, नहीं करते, करना होता तो अभी कहाँ से नहीं, अब तो मौका मिला है, अब करेंगे, अभी चांस मिला, अब करेंगे, आई एम होपफुल, अब जरूर करेंगे। ओके लेट्स सी, बाकी का पॉलिटिक्स में मौका मिले तो आएंगे आप? नहीं मैं शायद ना हूँ, शायद इस सिस्टम में तो ना हूँ। वजह? बस वजह नहीं चाहिए मुझे लगता है आपको। जब मुझे लगेगा कि स्पेस है और मैं बेहतर कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ पॉलिटिक्स में तो शायद मैं आऊँ, बट मुझे नहीं लगता कि शायद एट दिस मोमेंट मैं बेहतर कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ। वजह? अभी नहीं कर सकते, बाद में कह रहे हैं, बाद में तो मैं जहाँ पर मुझे, क्योंकि देखिए पॉलिटिशियन का एक काम होता है लेजिस्लेशन करना। आप भी तो अभी जैसे कर रहे हैं ना बहुत सारी चीजें, तो आप अगर पॉलिटिक्स में आ रहेंगे तो आपको अथॉरिटीज मिल जाएंगे। हमारे यहाँ पॉलिटिक्स में जो काम है पॉलिटिशियन का सिर्फ वो नहीं हो रहा, बाकी सब कुछ होता है। पॉलिटिशियन का काम होता है लेजिस्लेशन करना, बेहतर पॉलिसीज बनाना आवाम के लिए। तो अब इस वक्त ये नहीं हो रहा, बाकी सब कुछ हो रहा है। तो मैं उस दिन पॉलिटिक्स में जरूर आना पसंद करूंगा जिस दिन हम लेजिस्लेशन करेंगे, हम कुछ बेहतर सोचेंगे, कौम की बेहतरी के लिए काम करेंगे। तो होपफुली शायद ऐसा वक्त आएगा तो सोचेंगे। अभी तो मैं खुश हूँ जो मैं कर रहा हूँ। अच्छा आप वैसे किस पार्टी को ज्यादा सपोर्ट करते हैं? कोई एक पार्टी जिसमें आप चाहें अगर आपको? मैं हर पार्टी के अच्छे कामों को सपोर्ट करता हूँ। अच्छा, अगर पीपीपी कुछ अच्छा करती है तो मैं मुर्तजा वाब साहब की तारीफ करता हूँ कराची को बेहतर बनाने पे। अगर कुछ फेडरल गवर्नमेंट अच्छा करती थी तो मैं पीटीआई को सपोर्ट करता था, उनको अप्रिशिएट करता था। बहुत सारे काम किए, सबने बहुत सारे अच्छे काम किए। मैं आपको बता रहा हूँ हर पॉलिटिकल पार्टी हर वक्त गलत काम नहीं करती, बहुत सारे अच्छे काम भी करती है। हम पाकिस्तानी ना शुक्रे अप्रिशिएट नहीं करते, जो जहां अच्छा हो रहा है, जो भी पार्टी अच्छा कर रही है उसको आप अप्रिशिएट करें, क्योंकि आप अप्रिशिएट करेंगे तो वो भी मोटिवेट होगा जो कर रहा है। मैं एडमिनिस्ट्रेटर कराची के जो लास्ट कुछ महीनों के काम थे अमेजिंग है, तो आपको अप्रिशिएट करने चाहिए। हर पार्टी नहीं होती एक्चुअली, आपके सामने कोई ना कोई एक पॉलिटिशियन है या एक एडमिनिस्ट्रेटर है, वो आपके सामने, आप देखें वो क्या कर रहे हैं, उनको अप्रिशिएट करें। तो अच्छे काम को अप्रिशिएट करना चाहिए, तो जो भी पार्टी अच्छा काम करती है आई अप्रिशिएट इट। ओके, कोई एक को सपोर्ट नहीं करना? नहीं, कोई एक। ओके 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 कपिल, ठीक है। अच्छा कपिल, इन फ्यूचर अभी क्या प्लान्स हैं? फ्यूचर मेरा ये प्लान है कि ऐसी कंपनी बनाऊं जो कि सोशल कम्युनिटी सर्विस को प्रमोट करे, हम कम्युनिटी डेवलप करें, कोई ऐसा स्टार्टअप हो जो कि कम्युनिटी को मोबिलाइज करे, अवेयरनेस पे काम करे। तो मैं उस पर काम कर रहा हूँ, बहुत जल्दी ही मैं किसी एक ऐसे स्टार्टअप की तरफ चला जाऊंगा, ऐसी कंपनी की तरफ चला जाऊंगा जो कि मोबिलाइजेशन पे काम करे यूथ की, क्योंकि हमें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत भी है। मैं देख रहा हूँ कि अनगाइडेड मिसाइल्स है हमारे पास जो यूथ है, उसको गाइडेंस देनी है, रोड मैप देनी है, डेस्टिनेशन देनी है, पर्पस विथ लाइफ होनी चाहिए, लाइफ विथ पर्पस होनी चाहिए। ऐसे ही जी रहे हम, कोई डेस्टिनेशन ही नहीं है, कहाँ जाना है, क्यों जाना है, कब जाना है।
तो इस पे काम करना है, तो होपफुली हम जल्दी ही इस पे आ जाएंगे। मैं इस पे काम कर रहा हूँ, मुझ जैसे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो सोशल एंटरप्रेन्योर बनने का मेरा जो इरादा है आगे जाके करना है आपको इन करना फ्यूचर। ओके, गुड प्लान्स और बेस्ट ऑफ लक इन योर फ्यूचर। कोई मैसेज देना चाहेंगे यंगस्ट को? है। बस मैं यंगस्टर्स को ये मैसेज दूंगा कि अपनी डेवलपमेंट पे काम करें, जो मैंने इतनी देर बात की कि स्किल बेस इकोनॉमी है, तो आपके पास अगर स्किल्स होंगे तो आपको जॉब्स भी मिलेंगी, अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी, इज्जत भी मिलेगी और अच्छी जिंदगी भी गुजार पाएंगे। अगर स्किल नहीं होंगे तो आप कहीं भी नहीं होंगे। तो स्किल्स पे फोकस करना है, कुछ ऐसा सीखें कि आप सुबह उठे और आपको कोई हायर करने के लिए तैयार हो, आपको जॉब देने के लिए तैयार हो, आपको कोई काम देने के लिए तैयार हो। तो हम सबको ना इस पे मिलके काम करना है कि हमारे पास कोई ना कोई स्किल होना चाहिए, डिग्री नहीं, स्किल, और डिग्री के साथ साथ भी स्किल होना जरूरी है। तो दोनों चीजों पे फोकस करना है, एजुकेशन पे भी और स्किल्स पे भी, और इंसान बनाना है अपनी आने वाली फ्यूचर जनरेशंस को। हम लोग बना रहे हैं, इंसान नहीं बना रहे। तो इंसान बनाना है, उनको बताना है। सिविक सेंस पहले पढ़ाया जाता था, अब नहीं पढ़ाया जाता। तो अभी हमें सेल्फ इस पे काम करना है। जो पेरेंट्स हैं, यंग पेरेंट्स हैं, उनको अपने बच्चों को ये बताना है कि सिविक सेंस क्या होती है और ह्यूमैनिटी क्या होती है। तो बस इसी मैसेज के साथ में। ओके, थैंक यू सो मच कपिल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नाइस टू मीट यू, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट शो में। तो जी नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद थे कपिल कुमार। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए शो के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।